हेलो भाइयों, मैं हूं सक्षम। तो आज भाई हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, ये भाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर 2017 VXI वेरिएंट है भाई, CNG वाला। अब जो लोग भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, इस वीडियो को भाई वॉक अराउंड में पहले से बना चुका हूं। इस वीडियो का नहीं भाई, इस कार का वॉक अराउंड जो है, अंदर से कैसी लगती है, बूट स्पेस कैसा है CNG रखने के बाद, CNG का सिलेंडर कैसा लगता है और कितनी जगह बचती है, हर चीज भाई मैं पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूं। तो आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज भाई बात करेंगे कि 1.2 फोर सिलेंडर इंजन 83 BHP 115 Nm के टॉर्क के साथ जब CNG लगा देते हैं तो भाई कैसा चलता है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रहती है, उस बारे में बात करेंगे। करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट, चला के देखते हैं भाई इस गाड़ी को कैसी लगती है। एक मिनट भाई, पहन लेते हैं पहले सीट बेल्ट। भाई सीट बेल्ट जरूर पहना करो यार, जितने भी मेरे भाई हैं, क्योंकि सीट बेल्ट से यार कभी भी आपका अगर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत आपकी यार सेफ्टी हो जाएगी। करते हैं भाई गाड़ी को फर्स्ट गियर पे, हल्की सी चला के देखते हैं भाई। गाड़ी अभी CNG पर ही है अपनी, बिल्कुल स्मूथ चल रही है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो भाई मारुति के जो गियर बॉक्स है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। इनकी कोई भी गाड़ी ले लो भाई, गियर शिफ्टिंग एक नंबर होती है हर किसी में। पहले जो ये आती थी 2017-2018 तक, वो भी, और भाई जो नई स्विफ्ट डिजायर और जो आजकल सियाज आ रही है, इग्निस आ रही है, सबके गियर बॉक्स भाई एक नंबर है। मारुति के गियर बॉक्स में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगती भाई। चलाते हैं अगर भाई इस गाड़ी को थोड़ा सा, एक मिनट भाई, 25-26 पे भाई अपनी स्पीड है। दूसरा गियर मैंने डाला भाई, थोड़ा सा खींच के देखते हैं, थोड़ा ही कर पाएंगे भाई, आगे रोडी वाली खत्म हो रही है, गाड़ी खींच जाती है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और भाई सबको पता है जो स्विफ्ट डिजायर है 2017-2016 वाली, ये भाई CNG के साथ कितनी कंप्लायंट है। हम वैसे भी अगर रोड पे देखते हैं तो भाई हमें बहुत सारी, बल्कि मोस्टली 80% जितनी भी स्विफ्ट डिजायर दिखती है, सब में भाई CNG लगी होती है। उसका रीजन क्या है भाई, एक तो ये देखो, इंटीरियर बड़ा प्रीमियम मिल जाता है। स्विफ्ट से अगर हम स्विफ्ट डिजायर पे अपग्रेड करते हैं तो भाई इंटीरियर में अपने को ड्यूअल टोन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से एयरीनेस बनी रहती है। सिडान है, साइज देखो इसका छोटा ही है, साइज इसका कोई बड़ा नहीं है। बात करें अगर डायमेंशंस की तो कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन भाई अंदर से एयरीनेस को बनाने के लिए मारुति ने ये ड्यूअल टोन जो इंटीरियर दिया ना, इससे इसकी प्रीमियमनेस बनती है, पहला रीजन। उसके बाद भाई इसकी डिक्की 316 लीटर की मिल जाती है, बूट स्पेस अपने को 316 लीटर का मिलता है, जिसकी वजह से अगर हम CNG का सिलेंडर रख भी देते हैं ना तो भाई अच्छा खासा बूट स्पेस रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब भाई वापस से यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, एक बारी खींच के देखते हैं गाड़ी को, पता करते हैं यार कैसी चलती है। तो ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नॉर्मली मुझे नहीं लग रहा। अभी हम सिटी में हैं तो सिटी ड्राइविंग के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता, अगर यहाँ पे प्लेन रोड पे इतनी पिकअप दे रही है तो सिटी ड्राइविंग में कोई भी दिक्कत ये देगी। एक बार भाई इसको हम कर लेते हैं पेट्रोल पे, यहाँ पे भाई अपने को CNG का ऑप्शन मिल जाता है पेट्रोल पे स्विच करने का। पेट्रोल पे मैंने गाड़ी कर ली है स्विच, अब भाई एक बार वापस से भगा के देखते हैं। रॉकेट बन जाती है भाई पेट्रोल पे, तो सही बताऊं, आप खुद ही देख रहे हो कैसे उठ रही है। ब्रेकिंग भाई मारुति की मेरे को शुरू से ही हल्की लगती है, ब्रेकिंग में मेरे को हमेशा से कंप्लेंट रहती है, लेकिन जो एक चीज अच्छी है ब्रेकिंग जो भाई, अब नई गाड़ियां आ रही है मारुति की 2020, 2021, 2022 वाली, उसमें भाई मुझे और ज्यादा हल्की लग रही है। इसमें मुझे फिर भी अभी की जो स्विफ्ट डिजायर है उसके मुकाबले थोड़ी बेटर ब्रेक्स लग रही है। देखते हैं अगर भाई, तो बढ़िया भागती है यार, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और फटाफट से अब मैं इसको CNG पे एक बार स्विच करता हूँ, और भाई आगे नहीं जाएंगे, आगे गड्ढे हैं, फिर यार मैं आप लोगों को चला के दिखा नहीं पाऊंगा। वापस से लेते हैं रिवर्स भाई अपनी गाड़ी को। जैसा मैंने बताया था भाई अपनी पिछली वीडियो में, कोई भी पार्किंग कैमरा या सेंसर नहीं आता था, क्योंकि भाई उस टाइम पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया हुआ था रिवर्स पार्किंग सेंसर देना। आजकल तो यार गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, इसलिए हर गाड़ी में आता है, चाहे फिर वो कोई सी भी गाड़ी हो। तो भाई यहाँ से हम एक बार ही लेते हैं यू टर्न फटाफट से, और अब इसको थोड़ा सा CNG पे यार पुश करके देखते हैं कि ये कैसी चलती है, CNG पर कैसी उठती है। पेट्रोल पे तो अभी हमने देखा आराम से उठ जाती है, कोई भी दिक्कत भाई नहीं देती है। क्या बात है भाई, CNG पे भी मुझे नहीं लग रहा कोई फर्क आएगा। भाई सच बता रहा हूँ, कोई मुझे फर्क फील नहीं हो रहा है। मैंने स्विच करा है अपने हाथ से CNG पेट्रोल पे, मतलब मुझे उसके बाद भी नहीं लग रहा कि कोई फर्क है। या तो भाई गाड़ी इतनी अच्छी है, इंजन इतना अच्छा है, या फिर हमारे साथ जो हमारे काकू भाई हैं, इन्होंने मेंटेन बहुत अच्छी करी है। इन्होंने भाई अपनी एक i20 की वीडियो भी मैंने इनकी डाली हुई है पहले, उन्होंने शेयर किया था कि भाई कैसे ही अपनी i20 को और अपनी इस वाली गाड़ी यानी स्विफ्ट डिजायर को मेंटेन रखते हैं CNG के ऊपर भी। तो भाई एक बार ना वो वाली वीडियो भी जाके देखना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग जिनके पास भी CNG गाड़ी है, जो भी सोच रहे हो CNG गाड़ी लेने का, उनको यार थोड़ा सा पता लग जाएगा कि अपने इंजन को मेंटेन कैसे रखना है। वापस से इधर घुमाते हैं भाई, यहाँ अपने को खाली स्ट्रेच मिल गया है। अब CNG पे भाई इसको चला के देखते हैं कैसी चलती है। वही भाई सिचुएशन है, 20-25 की स्पीड है मेरी, दूसरा गियर डला हुआ है गाड़ी में। अब भाई देखते हैं कैसी उठती है।
अरे भाई 4000 RPM के बाद, मतलब एक तो इसको पुश आता है भाई 1700 और एक आता है 4000 के बाद, उसके बाद भाई फिर भागती जाती है। बहुत बढ़िया भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, आराम से चल रही है। अब अगर भाई बात कर लेते हैं थोड़े से गड्ढों वगैरह की, सस्पेंशन में क्या फ़र्क आया है, तो फटाफट से चलते हैं भाई आगे, देखते हैं कि सस्पेंशन में क्या फ़र्क आया है। आगे भाई हमें मिल गए थोड़े से गड्ढे, अब आराम से भाई हम गाड़ी निकालेंगे, कोई भी भगाती हुई यार नहीं निकालेंगे, देखते हैं भाई कि कितनी कंफर्टेबल राइड रहती है इसकी। कोई भी यार मुझे डिफरेंस फील नहीं हो रहा है सच बताऊं तो, मैंने सीएनजी के बिना वाली नॉर्मल अपनी जो पेट्रोल स्विफ्ट होती है वो भी चलाई हुई है, तो सस्पेंशन में यार मुझे कोई फर्क ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत मेजर फर्क आ गया हो। सॉफ्ट सस्पेंशन है यार गाड़ी का, आराम से ऊपर से निकल जाता है, कोई भी दिक्कत उसमें आती नहीं है। तो भाई गाड़ी तो ओवरऑल अगर देखी जाए तो सीएनजी लगवाने के बाद भी बढ़िया ही चलती है, कोई इसमें इशू हमें ये देती है नहीं। तो भाई ये थी वीडियो स्विफ्ट डिजायर की, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर 2017 वेरिएंट VXi, जिसमें भाई सीएनजी फिटेड थी। यहाँ तक आए हो, यहाँ तक वीडियो देखी है भाई, थैंक यू सो मच उसके लिए। वापसी आते रहना, ऐसी वीडियोस भाई मैं आपके लिए लाता रहूंगा। एक चीज भाई जो बतानी रह गई थी, यार रैटलिंग नॉइस है गाड़ी में, सच बताऊं तो 2017 की ये गाड़ी है, 5 साल भाई ओनर को हो गए हैं और इन्होंने लेने के कुछ टाइम बाद ही सीएनजी लगवा ली थी, और रैटलिंग नॉइस भाई मारुति की हर गाड़ी की तरह इसमें भी बन गई है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ये थी भाई वीडियो, करते हैं भाई बाय बाय आप लोगों से, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाऊंगा, ऐसी आते रहना और पूरा सपोर्ट रखना यार अपना, बाय बाय भाइयों।